सो ही व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मैंडेलिन। तो यार अब फिलहाल कुछ दिनों में मतलब एक गेम बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है और उसका नाम है फॉल गाइस 3D। और सच बताऊँ तो वैसे मैं पबजी खेलना फिलहाल के लिए तो बंद कर चुका हूँ, मतलब मेरे एग्जाम्स के कारण। और वैसे मैं सोच रहा कि यार पबजी ना खेल रहा हूँ तो मतलब इस गेम को एक आध बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और ये मेरा पहला मैच है तो मतलब मैं इसमें एकदम ही बड़े वाले में उभरा हूँ। और मैं सच बताऊँ ना तो मैं मतलब अभी तक मैं किसी की भी स्ट्रीम या फिर किसी का भी गेम प्ले नहीं देखा हूँ इस गेम के ऊपर, कि भाई मतलब बिना पता खेल जब तुमको पता नहीं रहता ना कि इस गेम में करना क्या रहता है तो उसको खेलने का अलग ही मजा रहता है। और भैया ये बताना भाई कि इसमें मतलब असली बंदे आते हैं कि या सिर्फ बॉट रहते हैं इसमें। तो भैया यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और आई डोंट नो मुझे करना क्या है यहाँ पर। तब भैया वैसे ये मेरा हिल क्यों नहीं रहा कैरेक्टर? अच्छा ओके, तो अब यहाँ पर क्या एक सेकेंड करना क्या है यहाँ पर भाई मेरे को करना क्या है ये बताओ मेरे को जरा, यहाँ पर करना क्या है? ओके यहाँ लिखा आ रहा है यहाँ पर फिलहाल के लिए टेल्स स्टोलन, मतलब मेरी पूछ चुरा ली गई है यहाँ पर दोबारा से। हाँ दोबारा से चुरा ली गई है यहाँ पर मेरी पूछ, और शायद से मुझे किसी की पूछ उठा के भागनी है यहाँ पर से, मतलब भागना पड़ेगा शायद से तभी कुछ हो पाएगा यहाँ पर मेरा। तो वैसे फिलहाल मेरे को पूछ मिल चुकी है और वापस से टेल्स स्टोलन भाई, बहुत सही, मतलब देख रहे हो मेरी हरकतें यहाँ पर, देख रहे हो? तो अब यहाँ पर वापस से मैं एंटर एक और बार दूसरे की पूछ की तलाश में। भैया एक तो पहली बात भाई, इस कैरेक्टर का ना मेरे को चलना पसंद नहीं आ रहा है भाई, अजीब तरीके से चलता रहता है कैरेक्टर। भैया देखो कि सेंसिटिविटी अलग है, हाँ सेंसिटिविटी अलग है, पबजी वाली भाषा में थोड़ा बात करेंगे। तो यहाँ पर वैसे जब पूछ मिलती है तो वही लिखा था, और यहाँ पर भैया तुमको टाइमर तक मतलब पूछ लगाए रखनी है अपने पिछवाड़े पे, और तुम ऐसा कर ले तो तुम पहला राउंड क्वालिफाई कर जाओगे। फिर आता है यहाँ पर दूसरा राउंड, और यहाँ पर शायद से फिर वही करना होगा या फिर नहीं, ये कुछ दूसरा है। यहाँ पर कुछ म्यूजिक बॉक्सेस दिए हुए हैं, मतलब म्यूजिक बॉक्सेस नहीं बोलेंगे आपको, क्या ही बोलेंगे, तो फ्रूट बॉक्सेस, हाँ फोटो बॉक्सेस बोलेंगे, फोटो बॉक्सेस दिए गए हैं शायद से कुछ अलग अलग फ्रूट के। हाँ भाई बहुत सही, मतलब ये होता है ना तुक्का तुक्की वाला गेम, ये सही है यार। तब यहाँ पर मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर मैं गेम की करना क्या है, मतलब तुमको फोटो दिखाएंगे टाइमर से पहले, और टाइमर खत्म होने के बाद एक फ्रूट का फोटो दिखाया जाएगा, तुमको सीधा उसके ऊपर खड़ा होना है। हलवा है यार, इसमें क्या ही दिक्कतें आने वाली है भैया, आराम से पार करेंगे दूसरा वाला भी। तब यहाँ पर केला है, और भैया देखो मेरे को पता है भाई केला कहाँ था, मैंने आखिरी बार देख लिया था। तब जरा देखते हैं अगले फल की तस्वीर कौन सी होती है, मतलब किस फल की तस्वीर दिखाई जाती है अगले में। तो अब यार यहाँ पर चेरी का फोटो आ चुका है, मेरे को पता भैया चेरी कहाँ पर, और मैं खड़ा था यार वहाँ पर, भाई चेरी वहीं पर था यार, ऐसा नहीं हो सकता भाई, चीटिंग है यार ये भाई, ऐसे कैसे जमीन खसक जाएगा यार किसी के नीचे से। अरे एक तो यार ये बंदा नाचना बंद करे भाई पहले, सबसे ही मतलब ये असली में जो मूड संकार है मेरा वो ये बंदा है। तो अब वैसे भैया मतलब मैंने पहला लेवल तो पार कर लिया था, तो शायद से दूसरा लेवल लाना चाहिए था भाई, मगर ये पहले पे क्यों दिया भाई। ओ भाई डेवलपर इसे भाई नाम भी नहीं पता यार इसको कौन डेवलप किया, पबजी वाला था तो टेंशन को गाली दे सकता था, मगर इसके डेवलपर का नाम नहीं पता मेरे को यहाँ पर। तो वैसे भैया अजीब ही नियम है इसके भी, चाहे तुम तीसरे लेवल पे रहो सौवे लेवल पे रहो, तुमको आना ही है वापस पिछवाड़े पे पूछ लगाने अपने पहले लेवल पे दोबारा से, अगर तुम जाओगे तो एकदम ही गलत सीन यहाँ पर भी। तो वैसे पूछ मेरे को मिल चुकी है यार यहाँ पर, बस भागना रह गया यहाँ पर मेरे को बंदों के आगे पीछे, मतलब हाँ किसी को पूछ नहीं देनी यहाँ पर मेरे को भाई, मतलब एक ही बात है यार। तो वैसे अब ये गेम की ये वाली जो बात है ना, मतलब मेरे को काफी हद तक पबजी जैसी लग रही है। पबजी के पीछे मतलब पबजी में लोग बिना वजह दूसरे की क्रेड बनाते फिरते हैं सिर्फ एक बे मतलब की चिकन डिनर के लिए, और इसमें भी सेम केस हो रहा है, मतलब बे मतलब का पूछ ही लिए भाग रहे हैं अपने पिछवाड़े पे लगा के, दूसरों का चुरा के लगा रहे हैं, और पता नहीं क्या मिलेगा क्वालिफाई करके, आना तो पहले ही राउंड में भैया, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल नहीं पार करने वाला दूसरा राउंड, तो शायद से मैं पहला राउंड भी पार नहीं करूंगा अभी। ये क्या है भाई, पूछ कहां गई मेरी भाई, बहुत सही। तो वैसे धोखा हुआ मेरे साथ यहाँ पर, अचानक से पूछ कैसे गायब हो सकती है भाई, मतलब इतना तेज भाग रहा था मैं, फुल स्पीड में भाग रहा था यहाँ पर, और पूछ गायब कर दी गई यहाँ पर मेरी, वो भी ठीक 5 सेकंड पहले, भाई मैच जीत जाता यार यहाँ पर मैं। तो अब यहाँ पर वापस से पहला राउंड, नई शुरुआत नई बकचोदियाँ। तो अब यार
चलो भाई मतलब हाँ ओहो, एक सेकंड भाई, पूछ मिल गई भाई मेरे को, पहले में ही पूछ मिल गई, मतलब ये सही बात है। वाह हाँ, भाई मगर बंदे देख रहे हो कितने पीछे पड़ रहे हैं, पर चार बंदे गेन के, चार बंदे, और भाई देख रहे हो ये होता है, यही होता है भाई जब तुम नशे करके पूछ के पीछे भागते हो। भाई पूछ चोरी हो गई यार मेरे यहाँ पर, सीधा दिल पे लगती और ये बात। तो वैसे अब यहाँ पर फिर से मिल गई थी भाई, मगर नहीं, दोबारा से पूछ चोरी हो चुकी है यहाँ पर मेरी, और शायद से तीसरा ना, वैसे मैं हलवे की तरह निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब थोड़ा हो गया यार एक्सपीरियंस तीन मैच का, तो मैं हलवे की तरह निकाल सकता हूँ। A few moments later. हाँ बस 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 पहुंच गया। देखा मैंने कहा था ना पहले कि पहला लेवल पार करना कोई दिक्कतों की बात नहीं है, हलवे जैसा पार हो जाता है। अब पार करते जा रहे इस दूसरे लेवल को। अब यार वैसे पहली बार मैंने जो मतलब गलतें की थी ना उसको थोड़ा मैं ध्यान रखती ना, मैं क्या करता हूँ भाई यहाँ पर इस कोने पे आ जाता हूँ, यहाँ से मेरे को शायद से पूरा व्यू मिल जाए कि कौन सा फल कहाँ रखाया हुआ है। तो वैसे यहाँ मेरे को पता था भैया, ये मैंने यहाँ ही देखा था शायद से, देखा भाई धोखा धोखा भाई वहीं था यार, मैं सही में देखा था भाई वहीं पर था यार वो। अरे आदमी अभी तक नाच रहा है भाई ये बाहर पे, पता नहीं क्यों। तो वैसे ये वाला भाई पार ही कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं, मगर मैं दूसरा लेवल जरूर से पार करके दिखाऊंगा। तो वैसे भैया इसको मैं आराम से पार कर लूंगा भाई, देखो जरा बस। A few moments later. ए भाई 3 सेकंड पहले कौन चोरी करता है भाई, भाई 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 दे दे भाई दे दे, वापस से धोखा यहाँ पर। तो वैसे ये शायद से एक बार ही तुक्का तुक्के में हार हारना पड़ता है, वैसे मैं जानबूझ के हारा था यहाँ पर, जहाँ तक मेरे को तो याद है हाँ मैं जानबूझ के ही हारा था। और भैया वापस से पूछ की बाजी लगाने मैंडरिन एक और बार खुद चुका है यहाँ पर, उसे डायलॉग भी नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर मेरे से। तो अब यहाँ पर वापस से वही लेवल, वही गेम, वही पूछ वाला गेम वापस से चालू हो रखा है, मगर अब मैं जानता हूँ भाई थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा हो चुका हूँ, और तो मैं हार तो सकता ही नहीं हूँ भाई, अब इतना एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है मेरे को। A few moments later. भाई 3 सेकंड बचा है भाई, पूछ दो भाई प्लीज, कोई पूछ दो भाई 3 सेकंड। 1 hour later. फिर से नहीं यार। 2 hours later. You lose. 4 to 6 more days later. ना मैं इस बार जाने नहीं देगा भाई पूछ, मतलब ऐसा जबरदस्त कूदते रहे यहाँ पर, मैं निंजा तोड़ूं यहाँ पर, और देखा बोला था ना भाई हलवा एक ही बार में पार कर लेगा मैं गेम को, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सब जो पहले थे वो मैंने जानबूझ के गेम मारे थे भाग्य को जितवाने के लिए। तब ऐसे मैं दूसरे राउंड में आ चुका हूँ, और भैया वापस से गलती नहीं करने वाला, तो भाई थोड़ा ध्यान लगाते हैं यहाँ पर और देखते हैं भैया। तो मैं जैसे कि देख लूँ यहाँ पर क्या आने वाला है। हाँ तो भैया ये लास्ट पे था जहाँ तक मेरे को याद है, और ये लास्ट भी होना चाहिए। देखा इस बार धोखा नहीं दिया, मेरे को पता था पिछले बार धोखा दे रहा था ये। तब वैसे वापस से 40, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो अब देखो चेरी ये यहाँ पर है, नारियल यहाँ पर था, वाटरमेलन वहाँ पर, चेरी अरे बगल में तो था यार मेरी, ये क्या चीज़ है भाई, हलवे जैसा चीज़ है, यूँ ही पास कर लेंगे इसको। वैसे कितने राउंड खेलवाएगा यार, मतलब ये शायद से मेरा तीसरा बार है गेंद के, और भाई कितने राउंड खेलवाएगा ये मेरे को। चलो ये तो हो गया वैसे, और यहाँ पर ठीक है भाई 3 बंदे बच गए, नहीं शायद 4 बंदे बच गए, और वैसे हाँ ओके क्वालिफाइड हो गया यहाँ पर हमारा दूसरा राउंड भी। और ये क्या, एक सेकंड, फाइंड द लक्की डोर एंड रीच द, पढ़ने भी नहीं देता भाई ढंग का, थोड़ा लेट ले जाया करना उसको वापस। वैसे फाइंड द लकी डोर का मतलब तो यही है भाई, तुमको लकी डोर ढूंढने के, जैसे वो थके शेष खासिल रहता था, मतलब मजे आते थे भाई उसको देखने में, आजकल देता नहीं है, सिंचाइन और डोरेमोन से काम चलाना पड़ता है। तो वैसे ठीक है भाई, और ये मेरे क्या है भाई, ये कौन बनाते हैं भाई ऐसे, ये ऐसा ऊपर नीचे वाला कौन बनाता है सीधा ऐसा, जो भी रहता है उसको वैसे गलत दरवाजा यहाँ पर वापस फेंक दिया गया, और मेरे को पता है भैया दूसरा दरवाजा ही, और यहाँ पर खुद के तुमको दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं यहाँ पर, पता नहीं और कितने दरवाजे मिलेंगे हमको। और मैं यहाँ पर आ रहा था मगर शायद से गलत दरवाजा था यार, क्या थी भाई मेरे को फेंक क्यों दिया वो, सही है। तो अब यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुका हूँ, पहले मस्त आगे आगे जा रहा था मगर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुका हूँ वैसे, बट अभी देखा जाए तो मैं आई थिंक जो तीसरे नंबर पर हूँ मैं। तो अब यहाँ पर 3 दरवाजे देखते हैं, वैसे इन लोगों ने रास्ता साफ कर ही दिया, तो
कोई दिक्कत होगी नहीं, और यहाँ पर बेचारा मेरा गिर चुका है यहाँ पर। और वैसे ये क्या था भाई, एटलीस्ट थर्ड रैंक तो आया मैं यहाँ पर, फिर ना भाई थर्ड रैंक आ गया था मैं यहाँ पर। भाई मैं नहीं खेलूंगा यार, ऐसा फालतू गेम था, बेफालतू का लॉजिक लगाता रहता है यहाँ पर। भाई तुम पहले हो गए तुम तुमको क्वालिफाई करेगा, दूसरा हो तो तुम हॉल क्वालिफाई कर, तीसरा हो तो तुमको क्वालिफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैं था तीसरे नंबर में, कुछ और रहता ना तो पक्का क्वालिफाई था वहाँ पर। वैसे अब शायद मैं ये गेम आगे ना खेलूं, मगर हो सकता है कभी खेलूं, और फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो कभी तो उसकी वीडियो शायद आ जाए। वैसे अब ये वीडियो ये तक थी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।